माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो लंबे समय से फरार चल रही हैं और इनाम भी उन पर घोषित किया जा चुका है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो मुख्तार को दफनाने के समय जरूर पहुंचेंगी, लेकिन वो तब भी वहां मौजूद नहीं थी। जब मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं अफशा को सलाह देता हूँ कि वो आत्मसमर्पण कर दे या तो कोई और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए कोई रास्ता निकाल ले और इस बात को वो अपना ले। इस दौरान अब्बास अंसारी की रिहाई के बारे में जब बात की गई तो अफजाल ने कहा कि पैरोल के लिए हम हाई कोर्ट गए थे, लेकिन उस समय न्यायाधीश कोर्ट में नहीं थे, इसलिए अब्बास का पैरोल नहीं मिल पाया। हम प्रयास करेंगे कि अब्बास की रेगुलर बेल हो, वो जल्द ही बेल पर बाहर आएगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अब्बास के खिलाफ कोई सीरियस मुकदमा नहीं है, मात्र 3 मुकदमे हैं जिसमें एक हाई कोर्ट में है। अफजाल का कहना है कि जिस दिन भी डेट लगेगी मेरिट के आधार पर उसकी बेल करवाने की कोशिश की जाएगी। अब्बास के बारे में बात करते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि वो कासगंज की जेल में बंद है। उसके ऊपर मऊ में चुनाव के दौरान कई सारे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। शूटिंग के मामले को लेकर भी अब्बास पर मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ की जमीन और गाजीपुर की किसी जमीन को लेकर भी अब्बास पर मुकदमा लिखवाया गया है। ज्यादातर मामलों में उसकी जमानत हो गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 मामले ऐसे हैं जिसमें उसका एप्लीकेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वहीं बताते चले कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से माफिया डॉन अतीक अहमद एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। दरअसल अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद अब उसका पूरा परिवार कानूनी शिकंजे में बुरी तरह फंस चुका है। बता दें अफशा अंसारी पर दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जा चुकी है। पुलिस की ओर से उन पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है। अफशा लंबे समय से फरार चल रही हैं और पुलिस काफी समय से उनकी तलाश में जुटी हुई है। अफशा भी गाजीपुर में मोहम्मदाबाद के दर्जी मोहल्ले की रहने वाली हैं। साल 2005 के बाद से मुख्तार जेल में रहा। जेल जाने के बाद उसके सारे कामकाज अफशा ही संभालती रही। अफशा पर जमीन की खरीद फरोख्त, फर्जी तरीके से जमीन पर कब्जा कर आर्थिक लाभ लेना और सरकारी भूमि को रसूख के दाम पर अपने नाम कराने जैसे कई मामले दर्ज हैं।